पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा वो। तो ये उनकी प्लस चीज है, इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर। लेकिन मैं जब उनकी कंपैरिजन करता हूं, मैं उनका जो बाइडन के साथ कंपैरिजन करूंगा कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने ये की, ख़ासतौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। है, पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा वो। तो ये उनकी प्लस चीज है, इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गेव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए, वो ही सक्सेसफुल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं, तो दिस इज आवर फॉल्ट। कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूँ सुपर सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने बिल्कुल उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान को तो देखे ना, आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे? आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं। आप मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व्स। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त, आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 8-9 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है, तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे, आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या हैं। आप माइनॉरिटी के हालात का, आप तो शिया सुन्नी आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ। मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपका तो नाम भी नहीं लेते। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच, दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीचों में सुन चुका हूं कई लोगों से कि वी इंटेंशनली डोंट ब्रिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट वॉन्ट टू गिव इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान। उसकी वजह यह कि इज नॉट वर्थ टॉकिंग, देर इज नो कंपेरिजन। लेकिन मैं जब उनकी कंपेरिजन करता हूं, मैं उनका जो बाइडन के साथ कंपेरिजन करूंगा कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने ये की, ख़ासतौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। एंड लुक हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू रीच टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब अगर ये देखें, एक तरफ अगर डॉक्टर जयशंकर का, रिसेंट मैं कल एक सुन रहा था कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह एक, जैसे कह लें कि ऑफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, और वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट गेट इट डन। कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं जनाब कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर तो है ही है, लेकिन इंडिया का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया बहुत सारे मसाइल में सोल्यूशन देता है व्हेन इट कम्स टू, हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, और इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत आगे है, और इंडिया की अपने खित्ते में रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा, और खित्ते में इज स्ट्रॉन्ग। अब उधर देखें कि वो जो ये बात चल रही है कि जी कि आप ब्रिक्स को 15-17 मेंबर उसके बन जाएं, रशिया कहता है हम इसको सपोर्ट करते हैं। अब जब रशिया कहता है ना इसको हम सपोर्ट करते हैं, इन अदर वर्ड्स बेसिकली दे आर मेकिंग इंडिया, दे आर गिविंग इंडिया दैट पावर। एक तरफ अमेरिकन वो पावर दे रहे हैं, एक तरफ इंडिया जो है वो रशिया भी वो पावर दे रहा है। वो कैसे? अब रशियंस को इस चीज़ का पता है कि हम
हम कोशिश करें या ना करें, इंडिया इज गेटिंग दैट स्पेस. जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग. द वेस्ट इज बाइंग इट. वेस्ट वॉज डेस्परेट, अमेरिका वॉज डेस्परेट टू हैव अ पार्टनरशिप विद समबडी अगेंस्ट चाइना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड बना. एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे, एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी कैसेंजर इन फॉरेन पॉलिसी. उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट एसे एंड आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया. उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके. और दूसरा उनका कंपैरिजन कराया, अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते, 8 बिलियन उनके रिजर्व पड़े फॉरेन से, 8-9 बिलियन, और ये 6.7 बिलियन भी आपका अपना नहीं है. लेकिन किसी के मुंह से सुना तो आपने कभी सुना है इमरान खान के मुंह से यार के ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क से? 62 जलसे उसने किए, हर जलसे का 5-6 करोड़ खर्चा था. कभी आपने सोचा है ये बात? ऐसी मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि जो सबसे बड़ा बात यह है कि किसी को अर्जेंसी है, किसी के माथे पर बल ही नहीं है. देखें एंकर भी शो वही करेंगे ना जो लोग देखना चाहते हैं. एंकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, टीवी एंकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, खबर वो होती है जो लोग सुनना चाहते हैं. वो ऐसा कोई प्रोग्राम करके अपनी रेटिंग कम तो नहीं कराएंगे. लेकिन ये भी देखें आपकी कौम के रेडार पर ही नहीं है कि आपके हालात कहां जा रहे हैं आप. चलो हमारी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, हमारे जो इशू हैं वो कुछ और हैं. लेकिन पता तो चले वो क्या है, ये भी तो पता चले ना क्या है, व्हाट इज योर डायरेक्शन. मैं खुद यकीन करेंगे आई एम वेरी कंसर्न्ड इन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी जब मैं सुनता हूं कि आप एक से ज्यादा पत्ता जो है डिस्प्रीन कर ही ले सकते. आप $35 मिलियन गूगल का नहीं आप दे सकते. ये यहां हम जब सुनते हैं तो फिर हमें अफगानिस्तान से भी नीचे, आप अफगानिस्तान भी आपसे तो बेहतर. तो सारी साहब आपको क्या लग रहा है, ये गूगल के पैसे ना दिए तो बंद कर देंगे गूगल सर्विसेज यहाँ पे? ऑफ कोर्स यही होगा अल्टीमेटली. क्या होगा इसके बाद, गूगल भी बंद होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइनें बंद होंगी, आपके जहाज जहां जहां होंगे वो कंट्रीज. अगले दिन उन्होंने हॉलैंड के अंदर एक जहाज था उन्होंने रोक लिया किसी अफ्रीकन कंट्री का. इसी तरह जहां जहां पे जहाज होते हैं उन पैसे देने होते हैं रोक लेते हैं आके वो अपने. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है, ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खित्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है. वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म. और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वैसल टू वैसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है और बस यही चीज़ है. हम 15-18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे उनसे लड़ने में मसरूफ हो गए. इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी. सो हमारी जो 40 साल की तरक्की नहीं हुई और हमने 1947 से लेके जो अभी 2022 तक भी जंगें लड़ रहे हैं, पहले जो है वो किसी और खाते में लड़ रहे थे, अब आपस में एक दूसरे के कपड़े पकड़े हुए हैं. सो ये जो चीजें हैं, अब इंडिया को वो कह रहे जी हम तो प्राइमरी पावर हैं. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.